हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार से अब तक पूछे गए क्वेश्चंस। आरपीएससी के द्वारा अब तक फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में या स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के लेखे जोखे के साथ और उन क्वेश्चंस के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और अब तक आरपीएससी ने 2011 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चंस की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। आरपीएससी ने 2011 से 2022 तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी लेखे जोखे के साथ आपको बताएंगे कि आरपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोइम की, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी। इस पोइम का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लीज़ देखें आप। और फर्स्ट ग्रेड में हमारे को लगभग 8 पोइम पढ़नी है। 8 पोइम्स में इन पूरी पोइम्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन और आरपीएससी के द्वारा कौन कौन से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब कब कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब, और इनके जो पॉइंट हैं उनका पूरा लाइफ का इंट्रोडक्शन, उन्होंने कौन कौन सी पॉइंट्स और भी लिखी हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लिटरेचर वाला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पार्ट में 8 पोइम, कुछ ड्रामास, कुछ नॉवेल्स, कुछ एसेज हैं। तो सबसे पहले हम पोइम वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी पोइम है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इससे पहले हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन की पोइम थी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया हमने। पोइम की राइम स्कीम, पोइम में कौन सा मीटर यूज़ हुआ और आरपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उस पोइम से, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। और दूसरी ये पोइम है हमारी गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी। इस पोइम का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूँ और जॉन डन के बारे में बता चुका हूँ। आज बारी है इसके क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, 2011 से 22 तक जो है आरपीएससी में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। 2022 में संस्कृत डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन दो टाइप के पेपर हुए थे। डिपार्टमेंट का ऊपर नाम लिखा है, ईयर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं। तो यहाँ पर 2022 में संस्कृत डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस पॉइंट से, और जो स्कूल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से 2022 में टोटल 3 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे। संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था उसमें एक और स्कूल एजुकेशन में दो। 2018 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी संस्कृत डिपार्टमेंट, 2018 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 2018 वाली भर्ती में संस्कृत डिपार्टमेंट में इस पॉइंट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्कूल एजुकेशन में इस पॉइंट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह 2015 में संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर नहीं हुआ था, स्कूल एजुकेशन का हुआ था, जिसमें इस पोइम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2013 वाली भर्ती में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2011 वाली भर्ती में फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तक 2011 से लेकर 2022 तक टोटल 17 क्वेश्चन इस पोइम से पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन की बात आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चन आज आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और उससे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस सब की बात आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारे सामने कि द थीम ऑफ द पोइम, क्वेश्चन क्या है, द थीम ऑफ द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इस जो पोइम, ये जो पोइम है हमारी जिसमें 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द थीम ऑफ द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इस पोइम की जो थीम है वो क्या है, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ किस चीज़ की पॉसिबिलिटी, गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए मैंड्रेक रूट, क्या किसी मैंड्रेक पौधे से की जड़ों से बच्चे को उत्पन्न किया जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी की बात हुई है, या फिर कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, क्या टूटते हुए तारे को पकड़ने की बात हुई है, या हीरिंग ए मरमेड सिंग, मरमेड होती है जल परी, क्या मरमेड के सॉन्ग को सुनने की बात हुई है, या फिर फाइंडिंग ए ट्रू वीमन, या किसी ट्रू वीमन को सर्च करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, अगर आपने पोइम को नहीं पढ़ा है तो पोइम को पढ़ेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए,
इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में। चलिए बताएं, सबसे पहले मैं आपके कमेंट देखूंगा, फिर मैं अपनी तरफ से आंसर बताऊंगा। आप बताएं यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। द थीम ऑफ द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी पॉसिबिलिटी है दोस्तों यहाँ पर? गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए मैंड्रेक रूट, कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, या हियरिंग ए मरमर्ड सिंग, या फाइंडिंग ए ट्रू वुमेन। तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमारा आंसर यही है, क्योंकि जॉन डन कहते हैं कि एक महिला जो खूबसूरत भी हो और वफादार भी हो, ये दुनिया में मिलना मुश्किल है। अब ये उसकी पर्सनल थॉट थी, हम सब की थॉट ऐसी नहीं है, ये उनकी पर्सनल थॉट थी। किन रीज़न से उन्होंने ऐसा कहा था ये उस समय वही जानते हैं, लेकिन यहाँ बात उन्होंने इसी टाइप की की थी कि फाइंडिंग ए ट्रू वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज़ ए पोइम अबाउट। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो पोइम है वो किसके बारे में है? फेमिनाइन इनकंसिस्टेंसी की बात हुई है, कंसिस्टेंसी, या गोल्डन डेफोडिल्स की बात हुई है, या फ्रेंच मेनेड की बात हुई है, या लास्ट डचेस की बात हुई है? आपने पोइम पढ़ी है तो आपको यहाँ पर आंसर पता चलेगा। फेमिनाइन का मतलब महिलाओं से संबंधित, इनकंसिस्टेंसी, या गोल्डन डेफोडिल्स, या फ्रेंच मेनेड, या द लास्ट डचेस, किसकी बात हुई है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए। बिल्कुल हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फेमिनाइन इनकंसिस्टेंसी की बात इस पॉइंट में की गई है। ये 2022 में गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पॉइंट से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जॉन डन इन हिज पॉइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एडवाइसेस द सीकर ऑफ ए ट्रू एंड फेथफुल वुमन टू ट्रेवल। कि जॉन डन जो है इस पॉइम में जो सलाह दे रहा है ढूंढने वाले को, सलाह जिसको वो कह रहा है ना कि आप ढूंढ के लाओ, उसको ये सलाह दे रहा है कि एक ट्रू एंड फेथफुल वुमन जो है वो मिल सकती है क्या करने से? टू द ईडन गार्डन ऑफ ईडन, क्या ईडन गार्डन जाने से मिलेगी वो, वहाँ होगी? या फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स, या फिर 10,000 दिन और रात की यात्रा करने से मिलेगी? या टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, और पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलेंगे? या फिर फॉर 1,000 डेज एंड नाइट्स, या फिर 1,000, मतलब 1,000 की बात हो रही है कि दिन और रात को ढूंढने की बात, बताइए क्या आंसर होगा? पोइम पढ़ी है जिन स्टूडेंट्स ने, उनको तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर किसकी बात हुई है। दोस्तों यहाँ पर 1,000 की बात नहीं हुई थी, यहाँ पर बात हुई थी 10,000 डेज एंड नाइट्स की। जॉन डन कहते हैं 10,000 दिन और रात की यात्रा करके भी अगर आप वापस लौटोगे और ये कहोगे ना कि कोई आपने ट्रू एंड फेयर या फेथफुल वीमेन देखी है, तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। चाहे आप 10,000 दिनों की दिन रात की यात्रा करो और उस महिला को ढूंढो, तो भी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा जॉन डन का मानना था। तो यहाँ पर आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि द स्पीकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार आस्क द लिसनर टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ। कि इस पॉइंट में गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जो लिसनर है, आस्क द लिसनर टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ, जो सुन रहा है उसको किस टाइप की सीरीज को परफॉर्म करने को कहा गया है? अन एडवेंचरस टास्क के बारे में बात कही गई है, या इम्पॉसिबल टास्क के बारे में, या कवर्डली टास्क के बारे में, या फिर लिटरेरी टास्क के बारे में, साहित्यिक कार्यों के बारे में, या कवर्डली, कवर्डली मतलब कायरता से संबंधित, या कोई इम्पॉसिबल टास्क की बात हुई है, या फिर अन एडवेंचरस टास्क की बात हुई है? इस पॉइंट में बात किसकी हुई है दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं किसकी बात हुई है। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आंसर होगा, सॉरी अन एडवेंचरस नहीं, यहाँ पर आंसर होगा इम्पॉसिबल टास्क की। यहाँ पर 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात उन्होंने कही है। आप याद कीजिए, आपने पोइम पढ़ी थी, वो कह रहे हैं मैंड्रेक के पौधे की जड़ों से बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं, टूटते हुए तारे को पकड़ा जा सकता है, इस तरह से उन्होंने मरमेड के सॉन्ग को सुना जा सकता है, ये सारी तमाम इम्पॉसिबल टास्क की इन्होंने इस पोइम में बात की थी, यही हमारा यहाँ आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द टोन ऑफ द स्पीकर, इसमें जो स्पीकर है ना, जो बोल रहा है कि ये मरमेड के गाने को जो सुना जा सकता है, मैंड्रेक के पौधों से जड़े मैंड्रेक के पौधे की जड़ों से बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये स्पीकर है इस पोइम का। ये स्पीकर जो है इस पोइम में, उसकी टोन कैसी है, साइनिकल है, इमोशनल है, सैड है या मिस्ट्रियस, यस कैसी इसकी टोन कैसी है, उस बंदे की टोन कैसी है जो ये कह रहा है कि मेंढक की जड़ों के जड़ों से बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं, मरमेड का गाना सुना जा सकता है, टूटते हुए तारे को पकड़ा जा सकता है, उस बंदे की टोन कैसी है, वो स्पीकर है इस पोइम का। तो बिल्कुल सही दोस्तों, उनकी उसकी टोन इमोशनल नहीं है, उसकी टोन सैड भी नहीं है, उसकी टोन जो है मिस्ट्रियस भी नहीं है, उसकी टोन है साइनिकल। साइनिकल का मतलब स्वार्थी सी, है ना, घमंड भरी हुई सी टोन है या स्वार्थी सी टोन है। तो यहाँ पर आंसर होगा ये। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इस पोइम की टोन कैसी है, तो भी कैसी होगी, साइनिकल टोन होगी, साइनिकल या सेटायरिकल टोन कह सकते हैं हम। आगे क्वेश्चन भी आएगा कि इस पोइम की टोन कैसी है, साइनिकल है और सेटायरिकल है, व्यंग्यात्मक इसकी टोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द पोइट इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार डिसाइड्स एट द एंड ऑफ द पोइम। ये जो इस पोइम का पोइट है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वो अंत में क्या डिसाइड करता है। 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये डिसाइड करता है कि टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, क्या वो ये डिसाइड करता है कि उसको तीर्थ यात्रा पर जाना है, या फिर वो ये डिसाइड करता है मेरी ए वीमन हु इज़ फेयर एंड ब्यूटीफुल, कि उस महिला से शादी करेगा जो वफादार भी हो और सुंदर भी, ये डिसाइड करता है, या फिर नॉट टू सर्च ए वीमन, किसी ऐसी महिला को नहीं ढूंढेगा हु इज़ बोथ फेयर एंड ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वन। क्या लास्ट में पोइट ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी ऐसी महिला को नहीं ढूंढेगा जो सुंदर और वफादार हो, क्योंकि ऐसा करना बेकार होगा, इम्पॉसिबल होगा, ऐसा करना बेकार है, क्योंकि कोई भी महिला सुंदर और वफादार होगी, ऐसी महिला मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं उसको सर्च नहीं करूँगा। क्या फाइनली ये डिसाइड करता है, या फिर ये डिसाइड करता है राइट ए सीरीज ऑफ लेटर टू सच ए वुमन टू चेक हर फिडेलिटी थ्रू आउट हर लाइफ, या फिर पत्रों की एक श्रृंखला लिखेगा उस महिला को, उसकी वफादारी को चेक करने के लिए जीवन भर। क्या करता है, क्या करना डिसाइड करता है इस पोइम के लास्ट में पोइट। तो दोस्तों अगर आपने, फिर मैं वही बात कहूँगा, अगर आपने पोइम को ठीक से पढ़ा है तो आपको इस टाइप के प्रश्न का आंसर मिलना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही, कुछ लोग बताएंगे जैसे यहाँ पर आंसर होगा कि वो अंत में इस आइडिया को ही छोड़ देता है कि वो किसी भी ऐसी महिला को नहीं ढूंढेगा जो सुंदर और वफादार हो, इस टाइप की सर्चिंग वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइप की महिला कोई उसे मिलेगी नहीं, इसलिए वो इस काम को जो है छोड़ना ही डिसाइड करता है लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द बिलो राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल एज स्नो वाइट। वो कह रहा है 10,000 दिनों की यात्रा, 10,000 दिन और रात की यात्रा आपको करनी है, और कब तक करनी है, जब आपके बाल जो है बर्फ़ के समान जो है सफ़ेद नहीं हो जाएं। तो यहाँ पर इन लाइनों में क्या है, किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है दोस्तों, पन का यूज़ हुआ है, या फिर हाइपरबली का यूज़ हुआ है, या फिर सिमली का यूज़ हुआ है, या ऑक्सीमोरन का यूज़ हुआ है। पन क्या होता है, यहाँ पर आपको समझना होगा कि पन क्या होता है। पन का अर्थ होता है दो अर्थों वाला कोई शब्द, दो अर्थों वाले शब्द को, शब्दों से खेलना ही होता है पन, दो अर्थों वाले शब्द को हम बोलते हैं पन। उच्चारण तो एक सा होगा उनका, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, तो उसको अपन बोलते हैं जैसे टेल और टेल, जैसे टी ए एल ई टेल कहानी, और टी ए आई एल है ना, ये टेल, टेल और टेल, इस तरह की जो शब्द होते हैं दो विपरीत अर्थों वाले लेकिन एक जैसे उच्चारण वाले, एक टेल कहानी, एक टेल पूंछ, तो यहाँ पर एक जैसा उच्चारण होगा लेकिन अर्थ अलग होगा, उसको पन कहते हैं। या फिर हाइपरबली का यूज़ हुआ है, हाइपरबली का मतलब किसी शब्द को, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, या फिर सिमली का यूज़ हुआ है, सिमली उपमा, किसी को किसी के जैसा बताना, जैसे वह लता मंगेशकर की तरह गाती है, शी सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, तो ये सिमली है। और ऑक्सीमोरन,
ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि इसमें भी दो शब्द होते हैं लेकिन उनके विपरीत अर्थ होते हैं। जैसे अपन कह देते हैं कि बहरा कर देने वाली चुप्पी, अब चुप्पी कैसे बहरा कर सकती है? बहरा कर देने वाली चुप्पी जो है ना, ये ऑक्सीमोरॉन है, कि दो विपरीत अर्थों वाले शब्दों को जोड़कर बताया जाता है, वो ऑक्सीमोरन होता है। सिमिली में किसी को किसी के जैसे बताया जाता है, और हाइपरबली में क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है, और पन जो होता है, शब्द दो होते हैं, उच्चारण एक होता है लेकिन अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है 10,000 दिन और रात, और कब तक यात्रा करनी है? जब तक आपके बाल बर्फ़ के समान सफ़ेद ना हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं ये पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पर हाइपरबली का यूज़ हुआ है। आप आम शब्दों में याद रखें कि कोई बड़ी बड़ी बातें करता है तो इसका मतलब, बढ़ा चढ़ा के जो कहता है तो इसका मतलब वहाँ हाइपरबली का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर एट है कि स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी, कि स्ट्रेंज साइट है ना, विचित्र दृश्य, इनविंसिबल टू सी, इनविंसिबल मतलब होता है अदृश्य, और सी माने देखना। फ्रॉम डम्स गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? ये इस तरह के जो शब्द इसने बताए हैं, स्ट्रेंज साइट, इनविंसिबल टू सी, क्या ये नोमेटोपोइया है? ओ नहीं बोलते इसमें, प्रोनंसिएशन होता है इसका नोमेटो, नोमेटोपोइया है, या इसको यूफिमिज्म कहा जाता है, या इसको पैराडॉक्स कहा जाता है, या फोर शेडोइंग कहा जाता है, क्या कहा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपको इसको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, दो विरोधी बातें हो रही हैं, स्ट्रेंज साइट, इनविंसिबल टू सी, सी देखना, इनविंसिबल, अदृश्य होना, मतलब दो विरोधी बातें हो रही हैं, और विरोधी बातें हमेशा किस में होती हैं? पैराडॉक्स में होती हैं। विरोधी भास, विरोधाभास की अगर बात होगी ना, तो वो किस में होता है? विरोधाभास पैराडॉक्स कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पैराडॉक्स है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है कि द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय डन, इस पोइम की जो लास्ट लाइन है वो क्या है? लिव्स ए वीमन ट्रू एंड फेयर, ये है लास्ट लाइन, या फिर ये है सच ए पिलग्रीमेज वर स्वीट, ये लाइन है। अगर आपने पोइम पढ़ी है तो आपको पता है कि लास्ट लाइन क्या होगी, या फिर ये होगी फाल्स एयर आई कम टू और थ्री, या फिर सर्व टू एडवांस ऑन ऑनेस्ट माइंड। आपने दोस्तों पोइम पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पता है कि इस पोइम की लास्ट लाइन क्या है। मेरे ख्याल से इस पोइम की लास्ट लाइन आपको पता है, और आंसर होगा इसका कौन सा दोस्तों? सी, ये इस पोइम की लास्ट लाइन है, फाल्स एयर आई कम टू और थ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है द टोन ऑफ द डन्स पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। अब अपने इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इस क्वेश्चन की अपन बात कर चुके हैं कि इस पोइम की टोन कैसी है, क्या रिलीजियस है, या सेटायरिकल है, व्यंग्यात्मक है, या ग्लूमी है, उदास है, या मिस्टिकल है, मतलब रहस्यात्मक है, कैसी है टोन इस पोइम की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन। इस पोइम की टोन जो है ना दोस्तों, वो सेटायरिकल है या फिर साइनिकल है, एक घमंड भरी सी है, एक व्यंग्यात्मक सी इसकी टोन है इस पोइम की। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क डज डॉन्स डन्स इनुमरेट इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ हिज पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो वो कितने इम्पॉसिबल टास्क की बात करते हैं जॉन डन, यहाँ पर आपको बताना है, क्या वो 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात कर रहे हैं, या फिर 6 या 5 या 4। इस पोइम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टांजा में ही जॉन डन 7 असंभव कार्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 7। हमारा आंसर क्या होगा? 7। 7 असंभव कार्यों की बात की जाती है, वो कह रहे हैं वो 7 असंभव कार्यों को बताते हैं कि ये कार्य तो हो सकते हैं बट एक महिला सुंदर और वफादार हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि दोस्तों कि हाउ फार डज डन इन हिज पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एडवाइस द सीकर ऑफ ए ट्रू वीमन टू ट्रेवल,
कि कितना कितने दिन की कितने दूरी की बात कर रहा है, कितने समय की बात कर रहा है सीकर को, सीकर मतलब ढूंढने वाले को जोर्डन की, कितने दिन की यात्रा करे, कितने समय की यात्रा करे, ऐसा जो है इस पोएम में हमें पढ़ने को मिलता है। तो आप मेरे को बताएं कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, टू द फारदेस्ट पोल ऑफ द अर्थ ये है, या फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स, या इन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, या थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो ये भी कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और जिसने पोइम को ठीक से पढ़ा है उसको आंसर तो पता है ही सारे, क्योंकि कोई भी आपने जितने भी क्वेश्चन देखे ना, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा। पोइम पढ़ने वाले के लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैं फिर आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आपने पोइम नहीं पढ़ी है दोस्तों, तो इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, इस पोइम का पूरा एक्सप्लेनेशन, उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन करें, सीधे क्वेश्चन नहीं करें। पहले उस पोइम को पूरा एक्सप्लेनेशन को सुने और उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको खुद ही आंसर देने में, अपने आप ही लाइन पढ़ते ही, क्वेश्चन की लाइन पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ऑफ ऑल स्ट्रेंज वंडर्स द स्ट्रेंजेस्ट इन डन्स पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वुड बी। अब ये प्रश्न जो 2015 में आया था दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है उसके जो सारे स्ट्रेंज वंडर्स उन्होंने बताए थे, और गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में वो क्या हो सकते हैं, टू कैच ए फॉलिंग स्टार, टू डिस्कवर द ईयर्स गॉन बाय, टूटते हुए तारे को पकड़ना, या समय जो बीत चुका है उसको वापस लाना, टू लर्न द मरमेड सिंग, मरमेड के गाने को सुनना, या टू फाइंड ए व्यूमन फेयर एंड फेथफुल, या फिर कोई ऐसी महिला को ढूंढना जो सुंदर और वफादार हो। बताओ दोस्तों यहाँ पर किसकी बात हुई थी, यहाँ पर बात हुई थी उस महिला को ढूंढने की जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द थीम ऑफ डंस गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ, इसकी थीम क्या है, किस चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी की बात हुई है यहाँ पर, क्या टूटते हुए तारे की इम्पॉसिबिलिटी है, टूटते हुए तारे को पकड़ना इम्पॉसिबल की बात हुई है, या गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए मैंड्रेक, टी लिख रखा है, सॉरी दोस्तों ये ट्री होगा, मैंड्रेक की जड़ों से बच्चे उत्पन्न करना, या हीरिंग मरमेड सिंग, या फाइंडिंग ए ट्रू वीमेन, किसकी इम्पॉसिबिलिटी की बात हुई है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर किसी ट्रू वीमेन को फाइंड करने की इम्पॉसिबिलिटी की बात हुई है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि इन द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार द प्रोटोगोनिस्ट विशेस, जो प्रोटोगोनिस्ट है वो क्या चाहता है, टू मीट ए ट्रू मैन, किसी ऐसी महिला से मिलना चाहता है जो सच्ची हो, टू सी द डेविल्स फुट, या किसी डेविल यानी कि राक्षस के फुट को देखना चाहता है, या टू कैच ए फ्लाई, या कोई मक्खी पकड़ना चाहता है, या टू हियर द मरमेड सिंगिंग, या फिर किसी मरमेड के सॉन्ग को सुनना चाहता है। तो दोस्तों प्रोटोगोनिस्ट जो है ना, जो विरोधी है वो किसी ऐसी महिला से मिलना चाहता है जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 15 क्वेश्चन 2011 से 22 के बीच में आरपीएससी से जो पूछे गए हैं उनका लेखा जोखा मैंने आपके सामने किया है प्रस्तुत। और अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार से आरपीएससी के द्वारा 2011 से 22 तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं इंग्लिश के, उसमें ये 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें से ही क्या अब तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपने पोइम पढ़ी है तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। तो दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस पूरा एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले नहीं देखें तो आप देख लें, और दूसरा गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है, और आज हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए, और मैंने डेफोडिल्स पोइम का जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन हुआ है, अभी उसके क्वेश्चन बाकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डेफोडिल से आरपीएससी के द्वारा 2011 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी तरह के लेखे जोखे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो इंजॉय कीजिए वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, पसंद आए तो दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।